नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को टक से लाइक कर दें, और लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, तो प्लीज़ लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जब भी परिवार पर कोई संकट आने वाला होता है या परिवार के किसी सदस्य पर कोई संकट आने वाला होता है, तो इससे पहले हमारे घर में कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिसे हमें कभी भी दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। तो आइए, आप हमको बताने वाले हैं रोज सुबह उठने के पश्चात व्यक्ति को क्या काम करने चाहिए जिनसे उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, और ऐसे कौन से संकेत हैं जो घर पर आने वाले संकट के बारे में हमें पहले ही आगाह करते हैं। हिंदू शास्त्र के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। अच्छे कर्म करने के लिए, जीवन में सफलता हासिल करने के लिए हम सभी को नियम कानून मानकर अवश्य चलना चाहिए। नियम क्या है? सर्वप्रथम व्यक्ति को सुबह में सूर्य के उदय होने से पूर्व ही उठ जाना चाहिए, क्योंकि हिंदू शास्त्र में यह मान्यता है कि जिस व्यक्ति को सूर्य भगवान स्वयं आकर जगाते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता है। इसलिए व्यक्ति को यह प्रयास करना चाहिए कि वह सूर्योदय से पहले ही उठकर स्नान आदि करके ईश्वर की पूजा, जप, तप, ध्यान, नित्य कर्म पूर्ण कर ले। सुबह उठकर अपने घर के समस्त खिड़कियों और दरवाजों को खोल दी, ताकि सूर्य की किरणें आपके घर में प्रवेश कर सके। घर की आंगन की सफाई अच्छे से कर ले, ताकि माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो। सर्वप्रथम सुबह उठकर सबसे पहले ईश्वर का नाम अपने मुंह से बोलिए। ईश्वर को धन्यवाद कीजिए कि हे ईश्वर, आपकी वजह से ही मुझे यह जीवन प्राप्त हुआ है। आपकी वजह से मुझे यह खूबसूरत देवता देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है, और आप ही के कारण मुझे अपने जीवन में सही राह देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हे प्रभु, आपने कृपा मुझे बनाए रखे। यदि मेरी ओर से कोई भूल हो जाए तो कृपया उसे क्षमा करें। मैं हमेशा सत्य के पथ पर चलूं, झूठ का साया भी मुझे कभी न छुए। हे ईश्वर, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखे। धरती पर पैर रखने से पूर्व धरती माता से प्रार्थना कीजिए। हे धरती माँ, मैं अपना कदम आपके ऊपर रखने जा रहा हूँ, मुझे सही मार्ग दिखाइए। उसके बाद अपने दोनों हथेलियों को रगड़ कर अपने हथेलियों का दर्शन कीजिए और इस मंत्र का जाप करें। कराग्यवसे लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूल्ये गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इसका अर्थ है कि हथेली के करते ऊपर माता लक्ष्मी निवास करती है, मध्य में माता सरस्वती का निवास है, और पूरे हाथ में श्री कृष्ण गोविंद का निवास होता है। यदि आप अपने हथेली को सुबह उठकर देखते हैं, तो आपको माता लक्ष्मी, देवी सरस्वती एवं भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन हो जाता है। और जो भी व्यक्ति दिन की शुरुआत इन तीनों के दर्शनों से करता है, उन्हें जीवन में अवश्य सफलता प्राप्त होता है। अपने हाथों को देखने का लाभ यह भी है कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, देवी सरस्वती की कृपा बरसेगा, और आपकी जुबान से एक भी गलत शब्द किसी के लिए नहीं निकलेगा, और इस सृष्टि के कर्ता श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहेगा। अब अपना पांव जमीन पर रखिए और तुलसी के पेड़ का दर्शन कीजिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनकर सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं। आइए जानते हैं वह मुख्य बातें जो आपके जीवन में पूर्ण रूप से बदलाव ला सकता है। रात में जब भी सोएं, तो हमेशा अपने सिर को दक्षिण या पूर्व की दिशा में रखकर ही सोएं। इससे आपकी आयु लंबी होती है। शास्त्रों के अनुसार संध्या के बाद कभी भी भोजन नहीं खाना चाहिए। सुबह बिल्कुल में ब्रह्म मुहूर्त में ही जागना चाहिए, अर्थात सूर्य उदय से पहले। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह की 7 बजे तक अपने आप को केवल ईश्वर की भक्ति में ही व्यस्त रखें। प्रतिदिन सूर्य भगवान को अवश्य तांबे के पात्र में जल भरकर चढ़ाएं। यदि आपके घर में कोई बच्चा है, तो उसे अवश्य कहिए कि तांबे के पात्र में जल भरकर उस सूर्य को जल चढ़ाए। इससे उसके मस्तिष्क एवं बुद्धि का विकास होगा। यदि बेवकूफी है, तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान बन जाएगा। सुबह उठकर जिस तरीके से आप नहा धोकर वक्ष हो जाती हैं, ठीक उसी तरह अपने घर द्वार खिड़की को साफ सुथरा करें। इससे माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी एवं माँ के आपके घर में निवास करेंगी। हर दिन यदि संभव ना हो, तो हफ्ते में एक दिन अवश्य अपने घर को गौमूत्र से साफ करें। यदि आपके जीवन में दुश्मनों की संख्या अधिक है और आपको अपने दुश्मनों की संख्या कम करनी है, तो हफ्ते में एक दिन नमक के पानी से अपने पूरे घर की साफ सफाई कीजिए। इससे आपके दुश्मन कभी भी आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। यदि आप चाहती हैं कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, तो हमेशा रात में यह कोशिश करें कि एक तांबे की रोटी में पानी भर कर रख दीजिए, और सुबह उठ के खाली पेट उस तांबे की लोटे का पानी पीजिए। इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपकी बीमारियों से रक्षा होगा।
जिस तरह सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं, ठीक उसी तरह आपको तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए, उन्हें भी जल चढ़ाना चाहिए ताकि आपके ऊपर समस्त देवी देवताओं की कृपा बनी रहे। और शास्त्र में कहा भी जाता है कि जिस घर के आंगन में तुलसी विराजमान होती है उस घर की रखवाली समस्त देवी देवताओं करते हैं, उस घर में हमेशा सुख समृद्धि बना रहता है। यदि आपके ऊपर कोई विपदा आने वाली है तो तुलसी के पौधे के माध्यम से आपको उस विपदा का अंदेशा मिल जाता है, क्योंकि जब घर परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना होने वाली होती है तो तुलसी का पत्ता अपने आप सूखने लगता है। इसका अर्थ यह है कि आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ कुछ बुरा होने वाला है। अपने घर की सुख समृद्धि को बनाए रखने के लिए घर में कभी भी कांटेदार पेड़ पौधे बिल्कुल भी ना रखें, जितना हो सके हरे भरे पौधे लगाएं। ईश्वर के बाद दूसरा स्थान माता पिता का होता है, इसलिए अपने माता पिता का हर दिन पैर छूकर आशीर्वाद दें, क्योंकि ईश्वर हर घर में नहीं जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने माता पिता को बनाया है ताकि उनकी कृपा आपके माता पिता के माध्यम से आपके ऊपर बनी रहे और उनका हमेशा आदर और सम्मान करें। कोशिश करें कि हर दिन गाय की रोटी अवश्य खिलाएं, इससे आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थे वह कुछ कार्य जो सुबह करने से घर से दरिद्रता चली जाता है और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होता है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।